पेट्रोल डीजल और गैस के दामों में उछाल। ब्रिटेन में पेट्रोल नहीं मिल रहा। चीन और यूरोप में बिजली की कटौती हो रही है। तो आखिर इस संकट के पीछे की वजह क्या है? सिर्फ भारत ही वो देश नहीं जहां पेट्रोल डीजल या गैस के दाम अचानक से बढ़े हों, बल्कि आज दुनिया के कई देश अलग अलग संकटों से जूझ रहे हैं। लेकिन क्यों? आखिर इनके पीछे वजह क्या है? आइए जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भारत की। भारत में लगातार कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। दिल्ली में पेट्रोल 101 रुपए 89 पैसे, वहीं डीजल 90 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर तक पहुंच चुका है। ओपेक देशों के मुताबिक 2022 तक कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति लीटर बैरल तक पहुंच सकती है। वहीं अगर कोयले की बात करें तो देश के 135 में से 16 ऐसे प्लांट्स हैं जहां कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है। कई प्लांट्स में मात्र 3 दिन का ही स्टॉक बचा है। वहीं 80% प्लांट्स ऐसे हैं जहां 1 हफ्ते से कम का स्टॉक बचा है। कोयले की कमी के पीछे कोरोना एक बड़ी वजह है, क्योंकि जब देश में दूसरी लहर आई तब इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजली की डिमांड बढ़ी। एक तरफ जहां इंटरनेशनल मार्केट में कोयले की अच्छी खासी कीमत है, वहीं देश में इसकी कीमत काफी कम है। इस अंतर से कोयला इंपोर्ट की मुश्किलें बढ़ी हैं। अगर भारत में कोयले की कमी होती है तो ऐसे में बिजली का संकट भी पैदा हो सकता है, क्योंकि चीन का भी कुछ ऐसा ही हाल है। चीन की राजधानी बीजिंग में इस वक्त सेफ्टी चेक चल रहा है, जिसके कारण यहां कोयले की खदानों का आउटपुट कम हो गया है, जिसका असर बिजली के उत्पादन पर भी पड़ा है। चीन की 44% कंपनियां बिजली का संकट झेल रही हैं। चीन में बिजली के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। कुछ ऐसा ही हाल यूरोपीय देशों का भी है। यूरोप में पिछले कुछ हफ्तों से बिजली के बिल आसमान छू रहे हैं। वहीं स्पेन में बिजली की दरें 3 गुना तक बढ़ा दी गई हैं। इन सब के पीछे वजह है गैस स्टोरेज में कमी, विदेशी शिपमेंट में कमी, सोलर फार्म्स और विंड मिल्स का घटता हुआ आउटपुट। यहां माना जा रहा है कि अगर बिजली के दाम कम नहीं हुए तो आने वाली सर्दियां लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है, क्योंकि सर्दियों में बिजली का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब बात ब्रिटेन की। ब्रिटेन में 90% पेट्रोल पंप खाली पड़े हैं। हालात ये है कि यहाँ पेट्रोल पंप के बाहर बोर्ड लगा दिए गए हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि सरकार ने लोगों से धैर्य रखने की अपील की है। लेकिन ब्रिटेन में इस संकट के पीछे की वजह थोड़ी अलग है। दरअसल कोरोना की वजह से ब्रिटेन में ट्रक वालों के सर्टिफिकेट और ट्रेनिंग को कैंसिल कर दिया गया। इस वजह से यहाँ ट्रक वालों की कमी बढ़ गई। अब सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए विदेशी ट्रक ड्राइवरों के टेम्पररी वीजा जारी किए हैं, ताकि जल्द से जल्द पेट्रोल के संकट से लोगों को निजात मिल सके, साथ ही पेट्रोल पंप तक तेल पहुंच सके।